फिलहाल। और जयपुर से खबर आ रही है जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के शहीद स्मारक पर चयनित अभ्यर्थियों के परिजन जुटे हैं और परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, 2021 में एसआई भर्ती पेपर परीक्षा हुई और उसी के बाद से ये परीक्षा लगातार संदेह के घेरे में बनी हुई है, लगातार नए खुलासे इसको लेकर होते ही रहते हैं, लेकिन अब चयनित अभ्यर्थियों के जो परिजन हैं वो शहीद स्मारक पर जुटे हैं, परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं। एक पक्ष परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। दशरथ, क्या कुछ वहां का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ परिजनों का कहना है? देखिए स्मिता, निश्चित तौर पे ये एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर ये तमाम लोग जो हैं, ये जो सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एसआई हैं, उनके परिजन हैं, ये बड़ी तादाद में शहीद स्मारक यहाँ पर पहुंचे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, इनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि उनके जो लड़के हैं, बच्चे हैं, कई की महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, कुछ कुछ बच्चियां हैं जिनके फादर हैं और कुछ बहनें जिनके भाई सेलेक्ट हैं, इन लोगों का ये कहना है, इन लोगों का ये तर्क है कि एसआई भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी करने वालों को भले ही आप उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन जिन्होंने सही ढंग से ये परीक्षा ली है दी है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर आई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बासु आई हूँ, जितेंद्र मीणा की मम्मी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, परीक्षा रद्द हो नहीं हो? रद्द नहीं हो, नौकरी करना चाहिए, मेरा बेटा भी नौकरी करे, सभी नौकरी करे, पर रद्द नहीं हो, मेहनत करके आया है, कुरुक्षेत्र सूच है जो मेहनत करके आया है, एक छोटी बच्ची है, रद्द कर दिया गया तो कैसे पालेगा? ये जो भर्ती में कुछ धांधली, उनके खिलाफ एक्शन हो? गलती वजन काटो, असली वजन तो राखो भाई, गलत करिया जिन काटो, पर असली वजन तो राखो। छोटी सी बच्ची है, मैंने हार्ड तो तोड़ मेल दिया, 10-11 महीना होगा ट्रेनिंग करता, अब काट देगा तो फटाई हो सके, सके कुछ भी को नहीं हो सके फटाई। मेरा बेटा है, क्या कहोगे आप? भर्ती रद्द नहीं करनी, हाँ गर शिकर दे लो, शिकर सुन, हाँ रायपुरा से, हाँ रायपुरा, हाँ रद्द करिए, रद्द क्यों करा? और मैंने ट्रेनिंग कर दी पूरी, हार्ड तो तोड़ गया, बगा सुबह गरीब हाँ मैं, हाँ कुमाऊ हाथ को नहीं मारा, हाथ मुख बगा दिया, रात की नींद बगा दिया, अब रद्दी कर रहा हो तो अच्छी बात नहीं लगे हैं। निश्चित तौर पे कुछ परिजन है, उनसे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पर जब आए हैं वो क्या कहेंगे। मतलब थोड़ा इधर हो ना, आपका कौन है यहाँ पे? मेरी बेटी है, मैं भी यही कहूँगी रद्द मत करो, बहुत मेहनत से लगी है और जो चोरी करी है उसको पकड़ो और उनको अन्याय न्याय करो, उनका उनको दो। मैं नागौर से, आपके कौन सेलेक्ट है? मेरी बहन है। क्या कहेंगे कि सरकार, भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए, अगर सही का न्याय करेगी तो भर्ती क्यों रद्द करें? ईमानदारी से लगे हैं, 200-100 उसमें गलत है तो उनको पकड़ो, उनके साथ में करो, सच्ची मेहनत करके ईमानदारी से आए, उनके साथ में अन्याय क्यों? गए हैं बिल्कुल, अब सरकार का तो सरकार जाने, अब आगे रद्द करवाने वाले भी खूब है, जिन्होंने गलत किया है वो चाह रहे हैं भाई रद्द हो भर्ती तो वो बच जाए, अब सरकार खुद निर्णय ले भाई, रद्द करने वाले 100 है और 800 ये क्यों गलत करें उनके साथ में। मैं नागौर से आई हूँ, हाँ मैं, मेरी बहन है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम सभी जो सारे इकट्ठे हुए ये चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द ना हो और जो निर्दोष है उनके साथ तो न्याय हो और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, उनके साथ अगर जांच करें और जो जिन्होंने पेपर लीक किया है, जो जिन्होंने खरीदा उनको नहीं, पहले उनको पकड़े जिन्होंने लीक किया है पेपर, जहाँ से लीक हुआ है पेपर, तो ये अपने आप सिस्टम बंद हो जाएगा ये पेपर लीक वाला। निश्चित तौर पे ये तमाम तस्वीरें आप मेरे सहयोगी रामकृष्ण सैनी आपको दिखा रहे हैं, दूर दराज से ये लोग आए हैं, किसी का भाई, किसी की पत्नी, तो किसी के बच्ची इसमें सेलेक्ट है और ये तमाम लोग, इन लोगों की डिमांड है कि सरकार को ये परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए। मैडम आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं झुंझुनू से हूँ, मेरे खुद के हस्बैंड एसआई में हैं और
तीन साल तक कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इसमें आए हैं, और अब भी सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस भर्ती को बिल्कुल भी रद्द न करें, हमारे बच्चों को न्याय दें, बिल्कुल भी अन्याय न करें। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि भर्ती को रद्द न करें। देखिए निश्चित तौर पे कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगे। तमाम लोग हैं जो दूर दराज के इलाके से आए हैं, और इनका ये तर्क है कि गलती जिसने की है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गलती 700 ने नहीं की, यानी कि जो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर धांधली में शामिल हैं उनको एसओजी की तरफ से पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं है उनके साथ अन्याय नहीं किया जाए, क्योंकि कईयों ने जो तैयारी की वो लंबी तैयारी थी उनकी, और लंबी तैयारी के बाद में वो सेलेक्ट हुए हैं। वो तस्वीरें मेरे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से और मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि वो उनका तर्क क्या है, उनका तर्क क्या कहते हैं वो, और जो परिजन उनके यहाँ से आए हैं और उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। बाबा आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, तहसील का है साहब। कौन भर्ती है आपके, क्या चाहते हो आप? अपना बच्चा है। हाँ, बताओ। रद्द नहीं चाहिए, बच्चा ने दरा दौरा पढ़ाया लिखाया लगाया तो मैं तो है, मैं रद्द नहीं चाहिए। रद्द नहीं करे? हाँ, दोषियों को पकड़ा जाए, लेकिन पकड़े जाओ, दोषियों को पकड़ो। हाँ, दोषियों पकड़ो, उनको रद्द नहीं करनी चाहिए। सही बात है। हाँ, सबको रद्द क्यों करो, दोषियों को करो। बस आए कहते तब। आप कहाँ से आए बाबा जी? मैं बोन एक जमीन हूँ। आपके कौन भर्ती है? बच्चे टावर है। हाँ, टावर है। दोषी दोष दियो, बंदोषी दोष मत दियो। हाँ, जो क्या दोबारा पढ़ाया था तो मंजूरिया कर कर आ जाएगी, जाएगी तेरी से बस ठीक। मेरे भैया हैं एसआई में, और उन्होंने आरएस भी क्लियर किया हुआ है, पर वो इसकी वजह से मेंस नहीं दे पाए क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम, तो उनके साथ ये अन्याय है बिल्कुल। जो भी पढ़ के लगा उसके साथ ये अन्याय है, जो जिन्होंने किया है पेपर लीक किया है और जिन्होंने खरीदा है उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि उन लोगों को जो मेहनत से लगे, उनके साथ अन्याय। और हमारा संविधान कहता है निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उन्हीं को मिले, और ये बहुत गलत हो रहा है। अगर भर्ती रद्द होती तो भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए निश्चित तौर पर तमाम लोग जो हैं इनका ये कहना है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, रद्द होने से इन परिवारों का जो सपना है बड़ी कोशिशों के बाद बड़ी मिन्नतों के पास बाद वो सेलेक्ट हुए थे, और सेलेक्ट होने के बाद अगर सरकार की तरफ से इस भर्ती को रद्द किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो मनसाएं हैं आकांक्षाएं हैं उन पर पानी लगेगा। सर मैं करौली से हूँ, मेरे हस्बैंड ने 3 बार एग्जाम पास कर लिए, 1 बार इंटरव्यू में रह गए, 1 बार फिजिकल में रह गए। पहले टॉप की थी उनने पिछली बार, पहले में अब की बार वो ट्रेनिंग में है, तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषियों को पकड़ा जाए लेकिन जो निर्दोष हैं उनकी भर्ती रद्द नहीं हो। हाँ, उनको न्याय मिलना चाहिए, यही बोलना चाहते हैं हम। देखिए निश्चित तौर पे श्वेता, ये तमाम लोग ऐसे हैं दूर दराज के गांव से आए हैं, चाहे बूढ़े बुजुर्ग, महिला या कह सकते हैं बच्चियां, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, ये तमाम लोग जो सिलेक्टेड हैं, इन लोगों का ये तर्क है कि जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए, भले ही ये संख्या 50 हो या 100 हो, लेकिन जो निर्दोष हैं बड़ी मिन्नतों के बाद, मेहनत के बाद, लंबे वर्षों की तैयारी के बाद वो सेलेक्ट हुए हैं, वो ट्रेनिंग इस वक्त कर रहे हैं, अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उनके हितों के साथ ही परिवार के जो हित हैं, परिवार ने जो कह सकते हैं रोजी रोटी का भी संकट आ सकता है, इसी के मद्देनज़र ये तमाम लोग जो हैं, ये सहयोगी मेरे रामकिशन सैनी दिखा रहे हैं, ये दूर दराज के गाँव से आए हैं और ये धरने पर हैं। इन लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कोई ना कोई एक्शन ले, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, और जो ये बचे हुए बच्चे हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उनको इस परीक्षा से बाहर नहीं निकाला जाए, यानी कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। जी दशरथ, चयनित अभ्यर्थियों के जो परिजन हैं उनकी भी मांगे किन्हीं मायनों में सही हैं, क्योंकि एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगाने के लिए कई सालों की मेहनत उसके पीछे होती है, और अब सरकार देखना होगा एसआई भर्ती को लेकर के क्या कुछ फैसला लेती है। तमाम जानकारी के लिए